रशिया दुनिया की उन पावरफुल कंट्रीज में से एक है जिसके पास ना सिर्फ दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बल्कि उसकी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की वजह से ही अमेरिका तक उससे घबरा जाता है। तो आखिरकार 1957 में लॉन्च हुई कौन सी रशियन टेक्नोलॉजी की वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट तक को पसीने आ गए थे? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 रशियन इन्वेंशन जिन्होंने दुनिया बदल कर रख दी। बचपन से ही हमें ये पढ़ाया गया है कि दुनिया का पहला लाइट बल्ब एयर 1878 में थॉमस एडिसन ने इन्वेंट किया था, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये बिल्कुल गलत था, क्योंकि जो पैटेंट थॉमस एडिसन ने फाइल किया था वो इम्प्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब का था, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब का इन्वेंशन एयर 1872 में एक रशियन इन्वेंटर अलेक्जेंडर लॉडिजिन ने पहले ही कर दिया था। और इसके अलावा दुनिया के पहले लाइट बल्ब का पैटेंट अलेक्जेंडर को एयर 1874 में रशिया में मिल भी चुका था। इसी वजह से थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब में सिर्फ इम्प्रूवमेंट ही किया था, क्योंकि इसका इन्वेंशन तो पहले ही रशिया में हो चुका था। आपने इलिजारोव अपैरेटस का नाम तो जरूर सुना होगा। नहीं सुना? चलिए बताता हूँ। जब भी किसी इंसान की किसी दुर्घटना की वजह से उनकी बोन या हड्डी बुरी तरह से फ्रैक्चर हो जाती है और सिर्फ नॉर्मल प्लास्टर से उसको जोड़ा नहीं जा सकता, उस टाइम पर डॉक्टर जो मेटल की प्लेट या फ्रेम ऑपरेट करके उनकी हड्डी पर इंस्टॉल करते हैं, उसी को बोलते हैं इलिजारोव अपैरेटस। और ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट इन्वेंशन जिसने इतने ज्यादा लोगों की जानें बचाई हैं, उसका इन्वेंशन भी सोवियत यूनियन यानी रशिया में 1950s के आसपास रशियन फिजिशियन गैवरिल एब्रामोविक इलिजारोव ने किया था। और इलिजारोव इसी मेथड से अपने पेशेंट के फ्रैक्चर्स को ट्रीट किया करते थे और इसी वजह से इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ा इलिजारोव अपैरेटस। और ये इंस्ट्रूमेंट आज भी मेडिकल फील्ड में लोगों की जान बचाने के काम आता है। नाइन्टीज पीरियड का सबसे पॉपुलर गेम टेट्रिस। इसे हमने एक ना एक बार तो जरूर खेला होगा, पर इस गेम को एक रशियन इंजीनियर एलेक्सी पेजिथोर ने मॉस्को के एक गवर्नमेंट डेवलपमेंट एंड रिसर्च सेंटर में बनाया था। एलेक्सी को इस गेम की इंस्पिरेशन पेंटोमिनोज नाम के एक पजल गेम से मिली थी, लेकिन एलेक्सी ने इस गेम को कभी भी ये सोच कर डिजाइन नहीं किया था कि वो इस गेम से पैसा कमाएंगे, बल्कि इस गेम को एलेक्सी ने अपने फ्रेंड को खेलने के लिए दिया और उनके फ्रेंड ने इस गेम को फ्लॉपी में कॉपी करके अपने दूसरे फ्रेंड को दे दिया और कुछ ही समय के अंदर ये गेम पूरे रशिया में वायरल हो गया। हम में से काफी लोगों के रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर्स को कार्डियक अरेस्ट या दूसरी हार्ट की समस्या से जूझना पड़ता है, जिसमें से काफी लोगों को डॉक्टर्स ने हार्ट ट्रांसप्लांट तक रिकमेंड किया होगा, लेकिन कभी कदार डोनर हार्ट मिलने में देरी या डोनर हार्ट न मिल पाने पर डॉक्टर आर्टिफिशियल हार्ट इम्प्लांट करते हैं। और दुनिया के पहले आर्टिफिशियल हार्ट को भी साल 1937 में एक रशियन साइंटिस्ट व्लादिमीर डेमिकोव ने इन्वेंट किया था। व्लादिमीर ने अपने इन्वेंशन को पहली बार एक डॉग पर टेस्ट किया था, हालांकि वो डॉग सर्जरी के कुछ घंटे ही जिंदा रहा था, लेकिन हाँ, व्लादिमीर की इस कोशिश ने मॉडर्न साइंस में ये उम्मीद 1937 में ही जगा दी थी कि आर्टिफिशियल हार्ट भी पॉसिबल है। और आगे चलकर व्लादिमीर के इस आर्टिफिशियल हार्ट के इन्वेंशन ने मॉडर्न साइंस में कई जाने बचाने में मदद करी। चाहे अफगानिस्तान हो, चाइना, इजराइल या फिर नॉर्थ कोरिया और यूएसए, ये सभी कंट्रीज अपनी मिलिट्री में AK-47 जैसी फेमस गन जरूर इस्तेमाल कर चुकी है। इसके अलावा AK-47 और इसके दूसरे वेरिएंट वीडियो गेम से लेकर बच्चों के टॉयज तक हर जगह देखने को मिल जाएंगी। दुनिया की सबसे फेमस गन AK-47, जिसको लोग एफ्टोमाल कलाशनिकोवा के नाम से भी जानते हैं, इस गन को भी एक रशियन आर्म डिजाइनर मिखाइल खाशनिकोव ने डेवलप किया था। मिखाइल की बनाई गई ये गन न सिर्फ लो कॉस्ट इन प्रोडक्शन थी, बल्कि ये वेपन हार्श कंडीशन के अंडर भी काफी रिलायबल वेपन थी। इसी वजह से ये गन काफी मिलिट्रीज की फेवरेट गन में से एक है। वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के फौरन बाद ही दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स अमेरिका और सोवियत यूनियन यानी रशिया के बीच कोल्ड वॉर छिड़ जाती है। इसी जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से रशिया और अमेरिका एक दूसरे को टेक्नोलॉजी और वॉरफेयर में
नीचा दिखाने के लिए एक से बढ़कर एक रिसर्च और इन्वेंशंस करने लग जाते हैं। और आज इस्तेमाल होने वाला इंटरनेट, जीपीएस और ट्रांजिस्टर भी इसी कोल्ड वॉर के दौरान हुए इन्वेंशंस और रिसर्च की देन है। इसी दौरान ही ईयर 1957 में रशिया ने यूनाइटेड स्टेट पर बाजी मारते हुए दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्प्यूटनिक 1 स्पेस में लॉन्च कर दी। शुरुआत में स्प्यूटनिक के लॉन्च होते ही अमेरिकन के पैरों के नीचे से मानो जमीन निकल गई। उन लोगों की शुरुआत में ये लगा कि मानो रशिया ने आसमान में कोई न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करी है। और तो और अमेरिका की आम जनता के बीच भी अमेरिकन गवर्नमेंट पर भरोसा उठने लगा था, क्योंकि उनके हिसाब से रशिया की टेक्नोलॉजी कई ज्यादा एडवांस थी अमेरिका के कंपैरिजन में। इट्स अ रिमार्केबल थिंग, माय ओनली रिग्रेट इज दैट वी कुडंट गेट देयर फर्स्ट, यू नो दिस गोना बी मोर टेंशन बिटवीन इन वर्ल्ड पीस। लेकिन हाँ, रशिया के स्प्यूटनिक सैटेलाइट लॉन्च होने के बाद उन्होंने न सिर्फ ये प्रूफ किया था कि जब वो अपनी सैटेलाइट को स्पेस में भेज सकते हैं तो उनकी मिसाइल की कैपेबिलिटीज कितनी ज्यादा दूरी तक होगी, बल्कि उनके इस सैटेलाइट के लॉन्च करने की वजह से उन्होंने कोल्ड वॉर में अमेरिकन्स पर एडवांटेज भी हासिल कर ली थी। आप सभी लोग ये सोचते होंगे कि दुनिया का पहला मोबाइल फोन मोटोरोला ने डिजाइन किया था, और इससे पहले लोग ये तारों वाले लैंडलाइन फोन इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन शायद आप इस बार भी गलत हैं, क्योंकि मोबाइल फोन्स या पहला वायरलेस फोन का इन्वेंशन भी एक रशियन या सोवियत रेडियो इंजीनियर लियोनिड कोप्रियानोविक ने साल 1957 में कर दिया था। और लियोनिड का यह डिवाइस रेडियो टेक्नोलॉजी पर चलता था, और इस डिवाइस का वेट 6.6 पाउंड के करीब था। और एक साल बाद ही लियोनिड ने इस मोबाइल फोन के वजन को 1.1 पाउंड यानी 500 ग्राम के आसपास तक बना दिया था, जिसके बाद काफी सालों की और रिसर्च और मेहनत के बाद लियोनिड ने एयर 1961 में LK2 नाम का मॉडल लॉन्च किया, जो कि इतना पोर्टेबल मोबाइल फोन था जो आपके हाथ में भी आसानी से आ सकता था। लेकिन रशियन गवर्नमेंट ने उस टाइम पर इस वायरलेस डिवाइस को पब्लिक के बीच इसलिए लॉन्च नहीं किया था क्योंकि उस टाइम पर कॉल्स टेलीफोन एक्सचेंज से ट्रैक करी जाती थी, और पॉलिटिकल टेंशन के बीच गवर्नमेंट पब्लिक के हाथों में वायरलेस टेक्नोलॉजी देना नहीं चाहती थी। इसलिए इतना ज्यादा पोर्टेबल डिवाइस इन्वेंट होने के बावजूद भी ये पब्लिक के बीच लॉन्च नहीं हो पाया था। तो ये थे रशिया के साथ वो इन्वेंशंस जो कि न सिर्फ वक्त के हिसाब से कहीं आगे थे, बल्कि इन इन्वेंशंस ने हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल को भी बदल कर रख दिया। तो इनमें से कौन सा इन्वेंशन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।